के भरोसे थे, अब धर्मों ने और न्याय कर दिया तो अब गांव के लोग भी पामोशा हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं याद करना चाहूँगा साहिब सिंह जी मदेरणा को, जिन्होंने इस विद्यालय को इतना हरा भरा बनाया। और ये जो विद्यालय का जो स्वरूप, भवन का स्वरूप देखने को मिल रहा है, स्पेशली पूरे जिले में, क्या पूरे जोधपुर संभाग में शायद ऐसा एक ही होगा। ये स्पेशल रूप जो दिया है इस स्कूल को, वो भी उनकी कल्पना थी। और दुर्भाग्य से कोरोना काल में वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनको हमेशा ये विद्यालय याद करेगा। और मैं चाहूँगा विद्यालय संस्था प्रधान साहब से कि उनकी स्मृति में कुछ यहाँ बनना चाहिए, होना चाहिए, उनका फोटो लगे या कुछ जो आपको ठीक लगे, पर कुछ करना चाहिए, उनके नाम पे कोई चीज़ बन जाए या कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय को समर्पित भाव से बहुत सेवा दी है, तन मन से, बिल्कुल अर्थ तन से भी दी होगी। तो ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहिए ताकि दूसरों को और प्रेरणा मिले। मैं ये जो अभी बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिलना चाहिए, तो अभी खिलाड़ियों को वैसे जो सुविधाएं मिल रही है वो बहुत काफ़ी अच्छी हुई है, फिर भी यदि आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, बड़े स्तर पे तो बहुत हो गया, ग्रामीण ओलंपिक में तो क्या मिल रहा है, नहीं विभाग में भी क्या मिल रहा है, वो अलग चीज़। खिलाड़ी जो अच्छा खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ने के लिए मिलना चाहिए। पहले ये होता था कि खिलाड़ी को खुद की मेहनत करनी पड़ती थी, खुराक भी खुद लो, किट भी खुद खरीदो, ड्रेस भी खुद खरीदो, कोचिंग भी खुद करो, और फिर जब आप कुछ कर लो, कोई मेडल वेडल मिल जाए तो सरकार छोटा मोटा सहयोग करती थी। वो जमाने चले गए, अब सरकारें बहुत बड़ा सहयोग करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से यदि कोई खिलाड़ी नेशनल क्वालिफाई कर लेता है, नेशनल में मेडल ले लेता है और इंटरनेशनल के लिए ट्राई कर रहा होता है, तो 50,000 रुपये महीना देने का उसको प्रावधान है, 50,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड है, जिसमें वो अपने बढ़िया से बढ़िया खुराक ले सकता है, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग ले सकता है, बढ़िया से बढ़िया महंगा से महंगा अपना किट खरीद सकता है, और अन्य सुविधा जो भी उसको चाहिए वो उसको मिलती है, और उसके कारण से वो आगे जाके देश का नाम रोशन कर पाता है। पहले ये स्थिति नहीं थी। अभी राजस्थान सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, नौकरी खिलाड़ी को मिलती है, नेशनल प्लेयर को नौकरी मिलती है, यहाँ तक हुआ है। लेकिन ऊपर लेवल पे तो बहुत कुछ हो गया, नेशनल और उससे ऊपर तो हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से नेशनल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में पहुँचना और फिर स्टेट से नेशनल पहुँचना, वो बड़ा मुश्किल काम है, उसमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट ध्यान में दिलाया है, और सब लोग प्रार्थना करिए ईश्वर से कि इस चुनाव में मैं वापस विधायक बन जाऊँ और मेरी सरकार आ गई तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने वालों के लिए कुछ सुविधा और स्टेट से नेशनल जाने वालों के लिए सुविधा, वो मैं निश्चित करवा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। आज से 35 साल पहले मैं इस खेल का विभाग का मंत्री रहा हूँ, युवा और खेल मामलों का राज्य मंत्री था मैं, और उसी समय आपका ये स्टेडियम में जो ऑफिस है आपका, क्रीड़ा परिषद, जिसके मेंबर यहाँ बैठे होंगे कोई, उस क्रीड़ा परिषद का ऑफिस पहली बार यहाँ खुला था। उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं बनी हैं, बहुत सारे